अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दानिश रज़ा। यू आर वॉचिंग फिजिक्स लर्निंग विद डी आर। वेलकम टू माई चैनल। सो फॉर वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हियर वी विल सी वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओवर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज लेक्चर। ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसका जो हमारा इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। कहते हैं कि जी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज अ सर्किट डिजाइन टू प्रोवाइड पॉजिटिव वोल्टेज गेन। पॉजिटिव वोल्टेज गेन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गेन आएगा उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जो हमारे पास गेन आएगा वो पॉजिटिव होगा। जिस तरह हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पढ़ा था कि जी माइनस R2 अपॉन R1, ये देखिए नेगेटिव आ गया, इसने इन्वर्ट कर दिया था हमारी आउटपुट को। तो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट इज डायरेक्टली अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो नॉन इन्वर्टिंग यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। और अगर मैं इस तरह का इनपुट सिग्नल यानी कि साइनोसाइडल सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जिसको मैंने वी इन का नाम दिया है, तो ये जो वी इन है ये डायरेक्टली आउटपुट पे हमें इस तरह से मिलेगा, हमें कोई फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा, जस्ट हमें एम्पलीफायर सिग्नल। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों दो तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू योर बुक, आपकी बुक में जो इसकी डेरिवेशन की गई है वो इस अंदाज में की गई है, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे इसको देखें, हायर लेवल बी एस वगैरह का जो लेवल है वहाँ पे अगर आप इसको देखें, तो वहाँ पे उसने इसको डिस्कस किया हुआ है एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो वो हम लास्ट पे देखेंगे। सबसे पहले आपके बुक वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले जी ये हमारे पास एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें हमने इनपुट जो अप्लाई की है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई की है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने एज यूजुअल जो है वो जैसा ग्राउंड कर दिया है यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये R2 आउटपुट से एक फीडबैक रेजिस्टर अटैच कर दिया। इस रेजिस्टर को याद रखिएगा जी, हमारे पास फीडबैक रेजिस्टर होता है। आप जी अब हमारे पास एक फीडबैक रजिस्टर आ गया, तो हमें इनपुट दिया, आउटपुट हमें इस तरह की मिलेगी एम्पलीफाइड और नॉन इन्वर्टेड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो थीम कॉन्सेप्ट यूज करने जाएंगे वो वर्चुअल ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। वो हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ वी इन, तो अगर यहाँ पे ये वाला जो वोल्टेज है ये वी इन है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पे जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है वो वी इन मिल रहा है। अगर पॉजिटिव पे वी इन मिल रहा है तो पॉजिटिव ये जो है शॉर्ट सर्किटेड है ये वी नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज पॉजिटिव होगा वही वोल्टेज नेगेटिव भी होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो इनपुट वोल्टेज है वही पॉजिटिव यहाँ पे वोल्टेज है और यही वोल्टेज अपेयर होगा वी नेगेटिव पे, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे है और यही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होगा, यानी कि तीनों क्या आएंगे इक्वल है। तो यही हमने हमारा वर्चुअल ग्राउंडिंग का प्रिंसिपल है और हम यही यूज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है आर वन, उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो आई वन है। ये मेरा एक नोड है, इस नोड में जो करंट एंटर हो रही है वो आई वन है और इससे जो करंट लीव कर रही है वो आई टू है। अब यहाँ से देखें, ये मेरे पास जीरो वोल्ट है और ये नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव जो है वो वैल्यू छोटी होती है जीरो से, तो हम इस वजह से जीरो माइनस वी नेगेटिव करेंगे। तो इस दौरान हमारे पास ओम लॉ लगाएं, सिंपल वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी मेरे पास यहाँ पे क्या है जीरो वोल्ट माइनस वी नेगेटिव, और दरम्यान में रेजिस्टेंस क्या आ रही है जी आर वन, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है जी आई वन। तो मैंने यही लिखा कि आई वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वी नेगेटिव अपॉन आर वन। अब ये V नेगेटिव क्या है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो V नेगेटिव है वो बेसिकली ये वही वोल्टेज है जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे अपेयर हो रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है वही जो मैंने इनपुट पे अप्लाई किया। इसका मतलब है कि ये जो V नेगेटिव है ये किसके इक्वल है, V इन के इक्वल है। और ये कहाँ से मुझे पता चला, ये वर्चुअल ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट से हमें पता चला। तो हमने यहाँ पे जीरो ऐसे रहने दिया, माइनस V नेगेटिव लिखा, तो माइनस V नेगेटिव अपॉन R1 आ गया। अब क्योंकि V नेगेटिव जो है वो V इन के इक्वल है, तो मैंने उसको यहाँ पे उसे रिप्लेस कर दिया। ये हमने I1 की वैल्यू निकाली। अब अगर क्योंकि हम यहाँ पे A नोड पे KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें
करंट एंटरिंग द नोड के साथ साथ करंट लीविंग द नोड भी निकालना पड़ेगा। अब करंट जो इस नोड को ए नोड को लीव कर रही है वो क्या है, वो आई टू है। तो हम यहाँ से निकालते हैं आई टू, तो आई टू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी नॉट, वी नेगेटिव और वी आउट है ये, और इसके दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो आर टू है। तो हम अगर आई टू निकालते हैं तो आई टू क्या होगा, वी नेगेटिव माइनस वी आउट अपॉन आर टू। तो यही मैंने लिखा, वी नेगेटिव माइनस वी आउट अपॉन आर टू। अब v नेगेटिव अगेन यहाँ देखें, v पॉजिटिव बराबर है v नेगेटिव के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v इन। तो ये अगर v नेगेटिव है तो ये किसके इक्वल है, v इन के इक्वल है। तो हमने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया v इन के साथ। जब मैंने ये चीज जो है वो ऐसे ही प्रिंसिपल वर्चुअल ग्राउंडिंग का मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लिया यहाँ पे, तो माइनस वी नॉट आ गया आर टू आ गया। पहले इसको ओपन करके लिखा तो मेरे पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने नोड ए पे केसीएल अप्लाई करना है, जो केसीएल क्या कहता है कि करंट एंटरिंग द नोड शुड बी इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड, या सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो मैंने यही कहा कि जो करंट इस नोड में एंटर हो रही है वो आई वन है, जो लीव कर रही है वो आई टू है। तो मैंने कह दिया कि आई वन इज इक्वल टू आई टू, और आई वन हमने पहले निकाल दिया माइनस वी इन बाय आर वन, और आई टू हमारे पास ये आ गया। तो हमने दोनों ही क्वेश्चन को इक्वेट किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब यहां से देखें हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है वी आउट बाई वी इन, यानी कि गेन। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें ये यहां पे नेगेटिव है, इस इक्वेशन को मैं यहां पे मूव कर दूंगा, इधर 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 मूव कर दूंगा, और इस वाली को इधर मूव कर दूंगा। तो ये दोनों इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें जब ये वाली इक्वेशन इधर आएगी तो ये वी नॉट बाय आर टू हो जाएगा, ऐसा होगा। तो इस केस में ये v नेगेटिव बाय r2, ये वाला ये जो v नेगेटिव बाय r1 है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी प्लस था तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां से देखें ये दोनों में v इन कॉमन है, तो मैंने v इन कॉमन ले लिया। यहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मैं r2 को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूं, ये r2 इधर चला जाएगा और जो v इन है वो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो रीअरेंज किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मैंने v out by v in निकाला तो मेरे पास ये आ गया, r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r2 by r1, r2 by r1, ये r2 by r1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये r2 by r1 ऐसे ही रहेगा। तो यहां से हमारे पास गेन ऑफ द एम्पलीफायर आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर। गेन का मतलब क्या है, वी आउट बाय वी इन का मतलब है कि हमने इनपुट पे कितना सिग्नल अप्लाई किया और आउटपुट पे हमें कैसा सिग्नल अप्लाई जो है वो मिल रहा है, कितना एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है, इसको हम गेन ऑफ एम्पलीफायर कहते हैं। इसको हम ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन भी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है जी। तो ओपन लूप गेन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का जो ओपन लूप गेन था वो बहुत ज्यादा था, ओपन लूप गेन दैट वाज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है जी। अब अभी तक जो हमने सीखा, हमने गेन जो है वो उसके लिए एक्सप्रेशन दिया है, और आप यहां से देख सकते हैं कि गेन हमेशा यहां पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास R2 की वैल्यू आप 2 ओम रख देते हैं जी, 2 किलो ओम कर लें, और R1 की वैल्यू आपने कर ली थी 1 किलो ओम। अब यहां पे आप अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब है कि अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहां पे 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया तो आपको आउटपुट पर सिंपली कितने वोल्ट का सिग्नल अप्लाई मिलेगा, 3 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास गेन ऑफ द एम्पलीफायर के बारे में है। तो नॉन इन्वर्टिंग गेन जो है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, उसका हमें फायदा क्या है, उसका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओवर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा जो सिग्नल है वो आउटपुट पे इन्वर्टेड नहीं होता, उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, दैट इज जस्ट एम्पलीफाइड। जैसा हमने इनपुट पर सिग्नल अप्लाई किया वैसा ही हमें आउटपुट पे मिल रहा है, दैट इज जस्ट एम्पलीफाइड, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है। दूसरी बात जी, अगर हम बात करें कि गेन हमारा किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो गेन हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, आर वन और आर टू पर डिपेंड करता है। यही हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जी गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी, तो एक्सटर्नल सर्किट्स पर डिपेंड करता है। तीसरी बात कि यहां से जो हमारा सिग्नल आ रहा है क्या उसमें कोई फेज शिफ्ट होता है, तो आप देख सकते हैं देयर इज नो एनी फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पे हमारे पास कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हम इसको दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं, तो दूसरे अंदाज से हम कैसे देख सकते हैं, देखें
अगर आप इसको यूज करें एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, आपके पास ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये वी आउट है, और ये वी आउट देखें यहाँ पे किस कहाँ कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आर टू के क्रॉस डिवाइड हो रहा है और आर वन के क्रॉस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मुझे अगर वी नेगेटिव निकालना है, तो वी नेगेटिव अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वी नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, आर वन के क्रॉस आ रहा है, तो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय कितना वोल्टेज आ रहा है, वी आउट, ये हमारे पास आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो वी आउट बाय वी निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू इज इक्वल टू वी आउट बाय वी नेगेटिव, और वी नेगेटिव किसके इक्वल है, वी इन के इक्वल है। अब ये देखें, ये एक्सप्रेशन वही नहीं बन गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया जी जी यानी कि गेन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन प्लस आर टू बाय आर वन, ये तो बड़ा सिंपल सा नहीं हो गया, ये तो क्योंकि आपके बुक ने ये वाला किया है तो मैंने इस वजह से पहले वो वाला करवाया। तो यहाँ पे ये आ रही बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज हो सकता है, और इसको वी डी आर हम कहते हैं, वी डी आर रूल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो भी आप इससे गेन निकाल सकते हैं, दैट इज क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरियस यू कैन मेंशन योर कमेंट सेक्शन, एंड ख्याल रखिएगा अपना, अपने चैनल का भी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।